हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिनेश पवार एंड आई वेलकम यू ऑन संतोष साइंस एंड एग्रीकल्चर क्लासेस विच इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। ये चैनल स्पेशली जेट, ICAR, BHU, HRF, SRF ऐसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और हम यहाँ पर वही बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स और उसके साथ साथ कैरेक्टर्स ऑफ क्लास इंसेक्टा की। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट आज यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स की, तो हमने बात करी थी सभी इंसेक्ट किंगडम एनिमिलिया, फाइलम ऑर्थोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर हम बात करें क्लास इंसेक्टा की तो टोटल इंसेक्टा के अंदर 29 ऑर्डर्स आते हैं जिसको हमने दो मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें इंसेक्ट्स की बॉडी पर कोई भी विंग्स प्रेजेंट नहीं है और दूसरा ग्रुप है जिसमें इंसेक्ट की बॉडी पर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिन इंसेक्ट्स की बॉडी पर विंग्स प्रेजेंट नहीं है उन्हें हमने अटेरिगोटा ग्रुप के अंदर रखा है और जिन इंसेक्ट्स के ऊपर टू पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हमने टेरिगोटा ग्रुप के अंदर रखा है। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ये टू पेयर्स ऑफ विंग्स इंसेक्ट की बॉडी के किस पार्ट से अराइज होते हैं। अगर टेरिगोटा ग्रुप की बात करें तो ये प्रिमिटिव इंसेक्ट होते हैं और टेरिगोटा ग्रुप के इंसेक्ट मॉडर्न इंसेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये फ्लाई कर सकते हैं। याद रखने वाली चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो देख लेते हैं। अटेरिगोटा ग्रुप के अंदर टोटल 4 ऑर्डर्स आते हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक हमने यहाँ पर बनाई है DPTC। डी से है डाइप्लूरा, पी से है प्रोटूरा, टी से है थाइसिनूरा और सी से है कोलम्बोला। तो ये 4 ऑर्डर्स अटेरिगोट्स होते हैं और इसके अलावा बचे हुए 25 ऑर्डर्स हैं वो टेरिगोटा ग्रुप के अंदर आते हैं। अब हम बात कर लें टेरिगोटा ग्रुप की, तो टेरिगोटा ग्रुप के अंदर 25 ऑर्डर्स को हमने मेनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक पार्ट है एंडो टेरिगोटा और एक है एक्सो टेरिगोटा। एंडोटेरिगोट्स को हम अंतःपंखी कीट भी कहते हैं और एक्सोटेरिगोट्स को हम बाहरी पंखी कीट भी कहते हैं। अंतःपंखी का मतलब इनके जो विंग्स डेवलप होते हैं वो कोकून के अंदर डेवलप होंगे और एक्सोटेरिगोट्स का मतलब इनके विंग्स बनने के लिए किसी कोकून की जरूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पर बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स के अंदर कोकून तब बनेगा जब उसमें प्यूपल स्टेज प्रेजेंट होती है और जिस इंसेक्ट में प्यूपा स्टेज प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो जिन इंसेक्ट्स में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट है उनके अंदर हम उन्हें एंडोटेरिगोट्स कहते हैं और जिन इंसेक्ट्स के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है उसे हम एक्सोटेरिगोट्स कहते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन विच इंसेक्ट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड, या फिर आपको इंसेक्ट का नाम दे देगा और पूछेगा इसमें मेटामॉर्फोसिस किस टाइप का प्रेजेंट होता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं सिर्फ 4 ऑर्डर्स CHL और D, मीन्स सी से कॉलिप्टेरा, एच से हाइमिनोप्टेरा, एल से लेपिडोप्टेरा और डी से डिप्टेरा। तो अगर कोई भी इंसेक्ट इन 4 ऑर्डर्स में से है तो हम कह सकते हैं कि वो एंडोटेरिगोट्स हैं और उनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मिलता है। लेकिन अगर इन 4 के अलावा कोई भी ऑर्डर का इंसेक्ट दे दिया जाए, जैसे हेमिप्टेरा है, ऑर्थोप्टेरा है, आइसोप्टेरा है, तो ऐसे इंसेक्ट्स के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा और उसे हम एक्सोटेरिगोट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ये समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब है, मेटा मींस मैनी, मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इंसेक्ट की बॉडी पर मिलने वाले एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स का अलग अलग स्टेज में बनने का प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस जो है उसके अंदर
अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो मेनली ये दो टाइप्स का होता है, एक तो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और एक होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट अगर हमें ध्यान है तो इनकम्प्लीट हम बहुत इजीली ध्यान रख सकते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के लिए ध्यान रखें, इसमें लाइफ साइकिल में फोर डिफरेंट स्टेजेस मिलती हैं। एक फर्स्ट है एग, सेकंड लार्वा, थर्ड प्यूपा और फोर्थ है अडल्ट। तो ये चार स्टेजेस अगर किसी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में मिलती है तो हम उसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं। और अगर किसी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में इन चार की जगह सिर्फ तीन स्टेजेस मिलती हैं, जो कि एग, निम्फ और अडल्ट, ये तीनों मिलेगी तो हम उसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। अगर इंसेक्ट के अंदर सबसे पहले एग्स बने, एग्स से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट, तो ये चारों स्टेज प्रेजेंट है, तो देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और इफ द इंसेक्ट फर्स्ट फॉर्म एग्स, देन इट फॉर्म्स द निम्फ एंड एट लास्ट इट फॉर्म्स द अडल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ तीन स्टेजेस प्रेजेंट है, तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले इंसेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो मेटामॉर्फोसिस हमने समझ लिया, उसके साथ साथ एक टर्म और जुड़ी हुई है जिसे हम मोल्टिंग या एक डाइसिस कहते हैं। तो मोल्टिंग का मीनिंग होता है शेडिंग ऑफ द ओल्ड एक्सोस्केलेटन एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू एक्सोस्केलेटन। जैसा कि हम स्नेक्स के अंदर देखते हैं, उनकी बॉडी पर एक स्किन होती है जिसे वो शेड करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वापस दूसरी नई स्किन उस पर बन जाती है, और जब वो स्किन पुरानी हो जाती है तो फिर वो शेड हो जाती है और वापस से नई एक स्किन उस पर फॉर्म हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है उसे हम मोल्टिंग कहते हैं। और इंसेक्ट्स के अंदर ये जो मोल्टिंग प्रोसेस होता है, ये उनकी बॉडी साइज इंक्रीज होने की वजह से होता है। अगर बात करें सेकंड लार्वा की, तो लार्वा इंसेक्ट की बॉडी की वह स्टेज होती है जब वो फीड करता है, और फीड करते टाइम ये चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर वो क्रॉप्स के ऊपर फीड कर रहा है तो मतलब वो डिस्ट्रक्टिव है, वो क्रॉप्स को हार्म पहुंचा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है किसी भी इंसेक्ट का लार्वा हो वो हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव होता है, और लार्वा पर कोई भी रिंग्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके, अगर हम टाइप्स ऑफ लार्वा की बात करें तो लार्वा किसमें मिलेगा, सिर्फ चार ऑर्डर्स में, जो कि हमने अभी बात करी, सी एच एल और डी, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हाइमिनोप्टेरा और डिप्टेरा। तो आइए देख लेते हैं, अगर लेपिडोप्टेरा और हाइमिनोप्टेरा की बात करें तो इसके इंसेक्ट्स के लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं। अगर कोलियोप्टेरा की बात करें तो इसके लार्वा को हम ग्रब कहते हैं, और डिप्टेरा की बात करें तो इसके लार्वा को हम मैगट कहते हैं। ओके, यहां पर हम देख सकते हैं मोल्टिंग या एग डायसिस का एक छोटा सा डायग्राम। जैसे ही एग से लार्वा बना तो उस लार्वा को हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज लार्वा, उसमें फर्स्ट मोल्टिंग होगी और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सेकंड स्टेज लार्वा में, देन द सेकंड मोल्टिंग विल अकर एंड इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द थर्ड स्टेज लार्वा। इस तरह से ऑलमोस्ट 4 to 5 times यहाँ पर मोल्टिंग होती है, और उसके बाद वो प्यूपल स्टेज में कन्वर्ट होगा, और एट लास्ट प्यूपल स्टेज कन्वर्ट होती है अडल्ट स्टेज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें निम्फ की। तो हमने अभी समझा कि जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर निम्फल स्टेज मिलती है, जिसमें कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है ऐसे इंसेक्ट्स के अंदर निम्फ प्रेजेंट नहीं होगा। तो निम्फ इंसेक्ट की लाइफ साइकिल की वह स्टेज है जहां पर इनकी बॉडी बिल्कुल अडल्ट की तरह दिखती है, बट दे विल नॉट हैव वेल डेवलप्ड विंग्स, लेग्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो उनके जो पंख हैं, उनके लेग्स हैं और उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो मैच्योर नहीं होते, और वो बिल्कुल सेम टू सेम अडल्ट की तरह दिखाई देते हैं। ओके, और निम्फल स्टेज का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो भी यही है कि वो खुद की बॉडी साइज को इंक्रीज करें, तो इसीलिए वो क्रॉप्स पर फीड करते हैं, और हम कह सकते हैं कि दे विल ऑलवेज बी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। फिर बात करें प्यूपा की, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले इंसेक्ट्स में लार्वल स्टेज के बाद बनता है प्यूपा। प्यूपा बनने के लिए इंसेक्ट अपनी ही
सलाइवा से अपनी बॉडी के ऊपर एक कवर बनाता है और उस कवर के बनाने की वजह से वो एक बॉक्स या जिसे हम कोकून कहते हैं उस कोकून के अंदर चला जाता है और उसकी वजह से वो कुछ भी ईट नहीं कर पाता। तो अगर वो कुछ भी ईट नहीं करेगा तो वो कैसा होगा? यस, नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो किसी भी इंसेक्ट का अगर आपको प्यूपा पूछ लिया जाए तो प्यूपा हमेशा नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, वो क्रॉप्स पर कोई हार्म नहीं करता। लास्ट बात करें हम अडल्ट की, तो अडल्ट इंसेक्ट की लाइफ साइकिल की लास्ट स्टेज होती है जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होते हैं और वो अपने एग्स देते हैं। तो अडल्ट इंसेक्ट के अंदर डिस्ट्रक्टिव हो भी सकते हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द इंसेक्ट। लास्ट हम बात करें एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स की, तो हमें ये टेबल इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। इस टेबल से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, एक तो आपको इंसेक्ट का नेम देकर पूछेगा कि इट बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, या फिर आपको ऑर्डर दे देगा और पूछेगा इस ऑर्डर के अंदर कौन से इंसेक्ट आते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इंसेक्ट ऑर्डर इज कॉलियोप्टेरा। कॉलियोप्टेरा के अंदर आने वाले इंसेक्ट्स को हम बीटल्स कहते हैं। तो जितने भी बीटल्स हैं, जैसे खपरा बीटल है तो वो कॉलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आएगा। सेकेंड हम बात करें हाइमेनोप्टेरा, तो इसे ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, ये क्वेश्चन जेट में पूछा हुआ है। हनी बी कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है, तो हमें ध्यान रखना है हनी बीज किसके अंदर है, यस हाइमेनोप्टेरा ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट हम बात करें लेपिडोप्टेरा की, तो लेपिडोप्टेरा ग्रुप के इंसेक्ट्स को हम या तो मॉथ कहेंगे जिसे हम शलभ कहते हैं, या फिर बटरफ्लाई जिसे हम तितली कहते हैं। तो अगर कोई भी तितली है तो वो लेपिडोप्टेरा ग्रुप के अंदर आएगी। ओके, फिर बात करें डिप्टेरा ग्रुप की, तो डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आने वाले इंसेक्ट्स हैं हाउस फ्लाइज और मॉस्किटो। तो घरेलू मक्खी कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है, यस डिप्टेरा से। फिर बात करें हेमिप्टेरा की, तो हेमिप्टेरा के अंदर इंक्लूडेड है एफिड एंड मिलीबग्स। ये क्वेश्चन जेट के अंदर पूछा गया है। एफिड जिसे हम मोइला या चेपा या माहू कीट कहते हैं, तो ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो हमें ध्यान रखना है इट बिलोंग्स टू द ऑर्डर हेमिप्टेरा। देन वी टॉक अबाउट अदर एक्सोटेरिकॉट इंसेक्ट्स, देन वी शुड नो दैट लोकस्ट और ग्रासहॉपर। तो जो टिड्डा जिसे हम कहते हैं वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, ऑर्थोप्टेरा से। टर्माइट्स या दीमक जिसे हम कहते हैं वो बिलोंग करती है आइसोप्टेरा ऑर्डर से। ड्रैगन फ्लाई इंक्लूडेड है ओडोनाटा ऑर्डर में, और सिल्वर फिश और स्प्रिंग टेल्स ये दोनों थोड़े से अलग हैं, इनसे हम ध्यान रखें। हमने शुरुआत में बात करी थी अटेरिगोट्स इंसेक्ट की, तो उसमें हमने देखा था थाइसिनूरा और कोलम्बोला। तो थाइसिनूरा के अंदर आती है सिल्वर फिश और कोलम्बोला के अंदर आते हैं स्प्रिंग टेल्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है थाइसिनूरा कौन से इंसेक्ट के लिए यूज होता है, तो हमें ध्यान रखना है सिल्वर फिश है वो थाइसिनूरा के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दें, और ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें हम और इन्फॉर्मेशन क्या ऐड कर सकते हैं। एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले एंटोमोलॉजी के जो हमारे वीडियोज हैं वो आप टाइम टू टाइम देख सकें। थैंक यू।